हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इसे पढ़ने के पहले हम कुछ पुनरावर्तन कार्य कर लेते हैं। हमें साधारण ब्याज का पुनरावर्तन कार्य करना रहेगा। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग 100, जिसे हम लिख सकते हैं पी गुणा आर गुणा टी भाग 100, जिसमें पी होता है मूलधन, आर होता है दर और टी होता है समय, जो वर्ष में होता है। और हम साधारण ब्याज को आई से दर्शाते हैं, तो हम लिख सकते हैं आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी भाग 100। तो हम लिख सकते हैं मिश्रधन यानी ए बराबर पी प्लस आई। तो आइए हम इसका एक उदाहरण करते हैं। मान लीजिए हमें मूलधन यानी पी 10,000 दी गई है और हमें दर यानी आर 10% दिया गया है, तो पूछ लिया कि इसका मिश्रण धन 3 साल में कितना होगा। तो हमें उसने समय दिया है 3 साल और उसने हमसे पूछा है ए यानी मिश्रण धन। तो हम लिखेंगे आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी भाग 100, जो होगा 10,000 गुणा 10 गुणा 3 भाग 100। तो हम 100 से 100 काटने के बाद लिख सकते हैं इसे 3,000। तो हमारा ए जो होता है पी प्लस आई, उसे हम लिख सकते हैं 10,000 और 3,000 का योगफल जो होगा 13,000। तो अब हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में मूलधन समान ही रहता है। इसका मतलब है कि जब हम मिश्र धन निकालते हैं तो उसमें हमेशा हम उसकी पी यानी उसका मूलधन समान लेते हैं, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हम उसका मूलधन बदलते रहते हैं। हर वर्ष बाद उसका मिश्र धन ही उसका मूलधन होता है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए आप में से किसी ने बैंक में 10,000 रुपए 3 वर्ष के लिए जमा किए और उस बैंक का दर था 10%। तो हमें पता है आपका पी है 10,000 जो आपका मूलधन है और आर यानी दर है आपका 10% और आपने 3 वर्ष के लिए इसे जमा किया है। तो 3 साल बाद आपका मिश्र धन ज्ञात करने के लिए आपको हर वर्ष बाद का मिश्र धन ज्ञात करना होगा जो अगले वर्ष के लिए मूलधन होगा। देखिए कैसे। तो पहले वर्ष के बाद आपका ब्याज होगा 10,000 गुणा 10 गुणा 1 भाग 100। एक इसलिए क्योंकि आपके 1 वर्ष के लिए यह हम ज्ञात कर रहे हैं, तो यह होगा 1,000। तो अगले साल के लिए आपका जो इस साल का मिश्र धन है वह मूलधन होगा। तो इस साल मिश्र धन है 10,000 और 1,000 का योगफल जो है 11,000। तो अब यह मिश्र धन 11,000 आपके अगले साल के लिए मूलधन होगा। तो अगले साल का ब्याज होगा 11,000 गुणा 10 गुणा 1 भाग 100 जो होगा 1,100। तो अब इस साल के बाद आपका मिश्र धन होगा 10,000 प्लस 1,100 प्लस पिछले वर्ष का ब्याज जो है 1,000। तो अब आपका मिश्र धन हो गया 12,100 जो आपके तीसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। 2 साल बाद का जो मिश्र धन है वह है 12,100। तो अब यह तीसरे वर्ष के लिए मूलधन होगा। तो तीसरे वर्ष का ब्याज होगा 12,100 गुणा 10 गुणा 1 भाग 100
जो निकल करके आएगा 1210, तो तीसरे वर्ष बाद आपका मिश्र धन होगा 10,000 प्लस पहले वर्ष का ब्याज जो है 1,000 प्लस दूसरे वर्ष का ब्याज जो है 1,100 प्लस तीसरे वर्ष का ब्याज जो है 1,210, तो यह निकल करके आएगा, तो यह निकल करके आएगा 13,310। तो यदि आप बैंक से 3 वर्ष बाद अपना धन वापस लेंगे तो बैंक आपको 13,310 की रकम देगा, क्योंकि बैंक चक्रवृद्धि ब्याज का उपयोग लेता है। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से हमें इसका मिश्र धन ज्ञात होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है a बराबर 1 प्लस r भाग 100 का पावर n गुणा p, जहां a इसका मिश्र धन होता है, r इसका दर होता है, n होता है कितने वर्ष के लिए रकम जमा की गई है, और p होता है इसका मूलधन। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आता है a माइनस पी, यानी आपका मिश्र धन माइनस आपका मूलधन। तो पिछले उदाहरण में हमारे पास मिश्र धन निकल करके आया था 13,310 और आपका मूलधन था 10,000। तो आपके पास इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आएगा 3,310 रुपये। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के उपयोग से एक उदाहरण करेंगे। मान लीजिए आपको 9,000 की रकम को बैंक में 2 वर्षों के लिए जमा कराना है और बैंक का दर है, यानी बैंक आपको 10% दर से मुनाफा देता है जो है प्रतिवर्ष, तो आपको 2 साल बाद कितनी रकम ज्ञात होगी, यानी आपसे आपका मिश्र धन पूछ लिया गया वह कितना होगा। तो आप लिखोगे चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से a बराबर 1 प्लस r भाग 100 का पावर n जो होता है t यानी वर्ष गुणा p। तो यहां हमें दिया गया है 1 प्लस 10 भाग 100 की पावर 2 यानी इसका वर्ग गुणा 9,000 जो निकल कर के आएगा 11 भाग 10 का वर्ग गुणा 9,000 जो होगा 121 गुणा 9,000 भाग 100 जो निकल कर के आएगा 10,890 रुपए। अब हम एक उदाहरण करेंगे जिससे हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपको 10% प्रतिवर्ष के दर से 1,000 रुपए की रकम को के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया, तो आप इसका साधारण ब्याज लिखेंगे P गुणा आर गुणा टी भाग 100 जो होगा 1,000 गुणा 10 गुणा 2 भाग 100 जो होगा 200, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे जो होगा P गुणा 1 प्लस आर भाग 100 का पावर एन माइनस पी। यह हमने इसलिए किया क्योंकि यह है हमारा मिश्र धन और यह है हमारा मूल धन, तो इन दोनों के माइनस से हमें यानी मिश्र धन में से हमें यदि हम मूल धन घटा दें तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, वो हम ज्ञात करेंगे ऐसे। तो 1,000 गुणा 1 प्लस 10 बाय 100 का पावर 2 माइनस 1,000
जो निकल करके आएगा 1000 गुणा 121 बाय 100 माइनस 1000 जो है 210। तो पिछले उदाहरण में हमारा साधारण ब्याज है 200 और चक्रवृद्धि ब्याज है 210, क्योंकि ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी यदि हम मूलधन को मिश्रधन में से घटा दें तो हमें ब्याज मिलता है। तो इन दोनों ब्याज का अंतर है 210 माइनस 200 यानी 10, जिससे हमें पता चलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा है। यदि किसी भी उदाहरण में हमें दर पॉजिटिव यानी दर हमेशा 0 से बड़ा है तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि यदि हमारी दर यानी हमारे ब्याज का दर 0 से यानी 0 से ज्यादा है तो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा होगा। अब हम एक उदाहरण करेंगे जिसमें घन 0 से छोटा होगा यानी घन ऋणात्मक होगा। अभी तक हमने जितने भी उदाहरण देखे उसमें हमारा दर घनात्मक था यानी उसमें हमारी मूल धन बढ़ रही थी, जबकि अब हमारा मूलधन घटेगा। देखते हैं हम इस उदाहरण के रूप में। मान लीजिए हमें एक यंत्र दिया है जिसकी कीमत है 20,000 रुपये और हर वर्ष यह 10% से घटता है, तो हमें इसका दर दिया गया है -10 और हमें पूछ लिया गया कि 2 वर्ष बाद इसकी कीमत कितनी रह जाएगी, तो हमें समय दिया गया है 2 वर्ष। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से लिख सकते हैं कि इसका 2 वर्ष बाद मिश्रधन होगा P गुणा 1 प्लस R भाग 100 का पावर T। तो हम लिख सकते हैं 20,000 गुणा 1 माइनस 10 भाग 100 का पावर 2। माइनस इसलिए क्योंकि हमारा दर ऋणात्मक है यानी वह 0 से छोटा है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा मिश्रधन होगा 20,000 गुणा 9 भाग 10 गुणा 9 भाग 10 जो निकल करके आएगा 20,000 गुणा 81 भाग 100 जो होगा 16,200। तो हमारे यंत्र की कीमत 2 वर्ष बाद 16,200 रह जाएगी। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए किसी जंगल में 1,000 वृक्ष हैं, तो पी होगा 1,000 और हर साल वृक्षों की संख्या 10% से बढ़ जाती है, तो R होगा 10%। तो हमें पूछ लिया गया कि 3 साल बाद वृक्षों की संख्या क्या रह जाएगी, तो समय हमारे पास दे रखा है 3 साल। तो इधर हम चक्रवृद्धि ब्याज का उपयोग लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हर वर्ष बाद जो मिश्रधन होगा हमारे पास वह अगले वर्ष के लिए मूलधन होगा। तो हम 3 साल बाद इसका मिश्रधन यानी वृक्षों की संख्या लिखेंगे। A बराबर P गुणा 1 प्लस R भाग 2 भाग 100 का पावर T जो होगा 1,000 गुणा 1 प्लस 10 भाग 100 का पावर 3 जो होगा 1,000 गुणा 11 भाग 10 गुणा 11 भाग 10 गुणा 11 भाग 10 जो होगा 1,331। यानी 3 वर्ष बाद वृक्षों की संख्या 331 से बढ़ जाएगी, तो हमारे जंगल में अब 1,331 वृक्ष रह जाएंगे। तो इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज का हमारे
रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग ले सकते हैं जब हमें पता है कि हमारा मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन होगा। तो आज हमने साधारण ब्याज के सूत्र का पुनरावर्तन किया जो होता है बी गुणा आर गुणा टी भाग 100, और हमने चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र जाना जो होता है पी गुणा 1 प्लस आर भाग 100 का पावर टी, जो हमारा मिश्रधन होता है टी वर्ष के बाद, और हमने मिश्रधन मूलधन और ब्याज के बीच में एक सूत्र जाना, और हमने यह जाना कि ए बराबर पी प्लस आई यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। धन्यवाद।